केदारनाथ के कपाट खुलने में अभी 17 दिन का वक्त और बचा है और 25 अप्रैल को, जैसा हम जानते हैं कि सुबह 6:20 पर केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। श्रद्धालुओं को इसी का इंतजार है, लेकिन इसी के साथ साथ गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ के पैदल रास्ते में कई प्रकार के ग्लेशियर भी बना दिए गए हैं। इस बात की उम्मीद तो देखिए बहुत ज्यादा कम है कि कपाट खुलते वक्त बर्फ की जो मोटी चादरें हैं वो अपने आप पिघल जाएंगी, और यही शायद एक वजह है कि बर्फ के इन तमाम जो ग्लेशियर्स हैं उनको काट कर केदारनाथ तक का रास्ता जो है वो बाकायदा तैयार किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की आने जाने में कोई भी असुविधा ना हो। और ये जो काम किया जा रहा है, इसी काम में भारी तादाद में तमाम मजदूरों को लगाया गया है जो 24/7 यहां पर जुटे हैं इस बर्फ को हटाने के काम में। ग्लेशियर की कटाई का काम लगातार जारी है, इस कटाई कर टनल नुमा रास्ता भी तैयार किया जा रहा है, और हाड़ कंपाने वाली इस ठंड के बीच में ये काम कतई आसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन श्रद्धालुओं की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए बर्फ को काटकर रास्ता बनाने का काम भी इन तमाम मजदूरों की तरफ से काफी तेजी के साथ किया जा रहा है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि इस बार जो श्रद्धालु केदारनाथ के दर्शन करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे, बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, उन्हें बर्फ की टनल से होकर ही यहां से गुजरना होगा।